नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वेटिंग लिस्ट ट्रेन की टिकट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिए तो आपको वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में आप जान पाएंगे वेटिंग लिस्ट टिकट कितने नंबर तक कन्फर्म हो सकता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वेटिंग लिस्ट टिकट में जर्नी हो सकता है क्या नहीं वो भी इस वीडियो से आप जान सकते हैं। वेटिंग लिस्ट टिकट में क्या अमाउंट, मतलब जो चार्ज होता है वो क्या कम लगता है, वेटिंग लिस्ट टिकट अगर कैंसिल हो जाता है वो उसका जो रिफंड अमाउंट होता है वो कितने दिन में वापस आता है वो भी आप इस वीडियो से जान सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट टिकट कहाँ से कटेंगे, काउंटर से कटेंगे तो अच्छा है या अगर नेट से कटेंगे वो अच्छा है, तो इस वीडियो में सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट टिकट एसी और नॉन एसी, मतलब स्लीपर कोई भी आप काट सकते हैं, मतलब वेटिंग लिस्ट टिकट आपको एसी नॉन एसी दोनों ही मिल सकता है। तो चलिए, मैं पहले यहाँ पे एक ट्रेन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, सर्च करके मैं बताता हूँ। मैं यहाँ हावड़ा से न्यू दिल्ली तक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ दो तीन दिन बाद, तो मैं यहाँ पे 4 तारीख को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये फिर जनरेटर पे रख रहा हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने भी दिल्ली तक ट्रेन है हावड़ा से, वो सारे ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें से एक ट्रेन मैं चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे देख पा रही हो सतरागाजी से आनंद विहार, तो आनंद विहार जाएगा ये ट्रेन। तो मैं इसी को चेक कर लेता हूँ, ये जो ट्रेन है 10 बजे वहाँ पे रवाना होगा और 8:40 पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये जो स्लीपर क्लास है मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, ये यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है 4 सितंबर, इसका वेटिंग लिस्ट है 66। अगर मैं इस वेटिंग लिस्ट टिकट को बुक करूँगा तो 66 नंबर मेरे को मिलेगा। अब जो पॉइंट आता है, ये वेटिंग लिस्ट टिकट मैं बुक करूँगा तो ये कन्फर्म होगा कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज 31 तारीख है, 3 दिन बाद मेरा डेट है। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे बता सकता हूँ ये वेटिंग लिस्ट टिकट ये 100% कन्फर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे नीचे पे आप देख सकते हैं CNF प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है ये कन्फर्मेशन कितने चांसेस है वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुक नाउ और यहाँ पे CNF प्रोबेबिलिटी, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा प्रोडक्शन नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो मैं पहले जो है मेरा तो मैंने जो है अपना आईडी लॉगिन कर लिया है। तो अगर आपको इसका आईडी बनाना नहीं आता है, ट्रेन टिकट अगर आप बुक करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उसका भी वीडियो मैंने डाला है, यहाँ पे लिंक भी मैं आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। फ़ोन से आप कैसे ट्रेन का टिकट बुक करेंगे तो उसको देख के आप जो है ट्रेन का टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद मैं अब यहाँ पे चेक करके देखता हूँ, अब जो है परसेंटेज यहाँ पे दिखाता है नहीं, तो अभी भी नहीं दिखा रहा है। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब दिखता हूँ तो भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। मैं अलग ट्रेन देखता हूँ दिखाता है कि नहीं। तो यहाँ पे इस ट्रेन को ये जो ट्रेन है हावड़ा से न्यू दिल्ली, यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 43 है और यहाँ पे जो है 37% यहाँ पे कन्फर्मेशन चांस दिखा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे रेड में ही है ये भी, तो इसका मतलब है, मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसका मतलब है ये ट्रेन 100% इस टिकट को अगर आप बुक करते हैं 43 इस ट्रेन को, मैं इस ट्रेन पे अभी पूर्वा एक्सप्रेस के बारे में बताता हूँ, 100% कन्फर्म नहीं होगा। तो अगर आप कुछ दिन बाद आप ट्राई करते हैं ये, क्योंकि ये जो है टाइमिंग थोड़ा कम है जो है, ये आज 31 तारीख है, आप अगर 15-20 दिन बाद अगर आप चेक करते हैं तो ये जो है कन्फर्मेशन मिल सकता है आपको। मैं 15 दिन बाद यहाँ पे तो यहाँ से ही मैं चेक कर लेता हूँ, जो है चेक करके दिखता हूँ 15 दिन बाद कितना परसेंट दिखाता है। चलिए, 15 दिन बाद वेटिंग लिस्ट 15 दिखा रहा है। अब चांसेस मैं देख लेता हूँ,
तो यहाँ पे 88% दिखा रहा है, तो इसका मतलब है ये चांस है कंफर्म होने का। तो अब जो है अगर आप इस टिकट को बुक करेंगे, क्योंकि ये जो है टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 15 दिन लग रहा है, क्योंकि 15 दिन में बहुत सी टिकट जो है कैंसिल होता है, ठीक है, जो भी रिजर्वेशन RSC टिकट है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो है उसी जगह के जो है नंबरिंग कमता रहता है। तो इसमें जो है चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये जो है कंफर्म हो जाएगा। और क्योंकि आप देख सकते हैं 15, 16, 18 तारीख के जो है टिकट RSC में मिल रहा है। तो अगर RSC के बारे में आपको नहीं पता है तो उसका भी वीडियो मैंने डाल के रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको देख के आप RSC के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आप वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करते हैं तो उससे बाद जो है RSC आता है, उसी टिकट RSC में कन्वर्ट होता है, RSC के बाद जो है कंफर्म होता है। वेटिंग लिस्ट से डायरेक्ट कंफर्म नहीं होता है कोई भी वेटिंग लिस्ट टिकट, RSC होता है। आप देख सकते हैं RSC यहाँ पे 89 तक है, मतलब 100 के ऊपर तक भी RSC दे देता है। तो इतना अगर घटेगा 100 नंबर 112 तक 120 तक भी की RSC दे देता है, तब जो है वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं कंफर्मेशन मैं चेक करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 18 सितंबर RSC 89 को, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कितना परसेंट दिखा रहा है। अब देख सकते हो ये येलो कलर की है और 96 ग्रीन कलर की है और 96% यहाँ पे इस टिकट, ये जो RSC टिकट है इसका चांस है कन्फर्मेशन मिला। तो ये टिकट जो है 100% कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि ये 15 तारीख था, ये 18 तारीख है, और भी 3 दिन बाद ये टिकट है, तो ये चांसेस 100% ये जो है कंफर्म, मेरे ख्याल से कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप जब टिकट बुक करेंगे तो इस तरह से आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कितनी दिन बाद आप जर्नी करना कर रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया स्लीपर के लिए। अगर आप थर्ड AC में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे थर्ड AC में 4 सितंबर को ये जो है 17 वेटिंग लिस्ट बता रहा है। तो 17 वेटिंग लिस्ट या इसके स्लीपर से बहुत कम लग रहा है, तो इसमें कम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं जो ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि AC के सीट बहुत कम होता है, स्लीपर का सीट ज़्यादा होता है, AC का कम होता है। तो इसका भी मैं चांसेस यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे 78% दिखा रहा है। तो दोस्तों AC का टिकट भी इस तरह से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 8 तारीख को RSC दिखा रहा है, तो RSC में आता है उसके बाद जो है कंफर्म होता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, पहले यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, उसके बाद RSC में जाएगा, उसके बाद जो है कंफर्म होगा। लेकिन इसका जो RSC है ये ज़्यादा नहीं जाता है, ये आपको हर ट्रेन में सब एक जैसा नहीं है, किसी ट्रेन में बहुत ज़्यादा तक दे देता है RSC, किसी ट्रेन में 20-30 सीटों से अंदर रखता है RSC, 20-30 नंबर के से अंदर ही रखता है, इससे ज़्यादा RSC सीट नहीं देता है। तो आप देख सकते हैं ये वेटिंग लिस्ट 17, ये चांसेस 78%, ये तो RSC 100% हो जाएगा। अगर RSC हो जाता है तो आप तो जर्नी आप कर सकते हैं, अगर नेट से लिया है तो आपको आधा सीट आपको मिल जाएगा, मतलब एक सीट में दो लोग जर्नी कर सकते हैं अगर RSC सीट हो जाता है तो। उसके बाद यहाँ पे आप 5 तारीख को आप देख सकते हैं, तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, इसका जो 91% ये दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये भी कन्फर्म हो सकता है, इसको भी आप बुक कर सकते हैं। अगर कंफर्म नहीं भी हुआ, ये जो है RSC 100% RSC हो जाएगा, तो RSC अगर हो गया तो आधा सीट आपको मिल जाएगा, तो इसको भी आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेन का टिकट बुक करके देख सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, अभी ट्रेन में बहुत सी कोटाएँ हैं, तो उस कोटा के बारे में भी आपको चेक करके देखना है, जो ट्रेन में जो भी कोटा में जो भी सीट है वो कितना वेटिंग लिस्ट में गया है या सीट खाली है कि नहीं, आपको ये भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो है जनरल में चेक किया था, आप चाहे तो यहाँ पे देख पा रही हो, ये जो है ये अलग अलग कोटा है, ये लेडीज़ के अलग कोटा है, ये सीनियर सिटीज़न के लिए है, और ये डिसेबिलिटी है, मतलब जो भी डिसेबिलिटी है मतलब हैंडीकैप है उसके लिए अलग से सीट होता है, और यहाँ पे देख पा रही हो तत्काल और प्रीमियम तत्काल, ये सब अलग अलग कोटा है, इससे भी ज़्यादा है, यहाँ पे कितना है 1, 2, 3, 4, 5 कोटाएँ दिया गया है, लगभग आपका 10 से 12 कोटाएँ टोटल है। अभी ड्यूटी पास कोटा है, मतलब जो एम्प्लॉय है उसके लिए भी कोटाएँ है, और जो VIP है MLA MP के लिए कोटा है, और जो कैंसिलेशन होता है उसका भी जो है सीट AC में कन्वर्ट हो जाता है।
तो अभी मैं जनरल में चेक किया, अगर मैं यहाँ पे लेडीज़ पे देखता हूँ तो लेडीज़ पे सीट है कि नहीं आपको इसमें भी चेक करके देख लेना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ लेडीज़ में सीट है कि नहीं, तो एक भी सीट नहीं है लेडीज़ में। तो मैं अभी सीनियर सिटीज़न के भी देख लेता हूँ एक बार। तो उसका भी कोई भी सीट नहीं है, मतलब ये जो है बहुत इस ट्रेन में बहुत चाप है, इसको कंफर्म होने का चांस बहुत कम है अगर उस टिकट का बुक करते हैं। तो दोस्तों इसको देख के आपको थोड़ा सा तो समझ में आ ही गया होगा। अब जो है अगर आप नेट से ट्रेन का टिकट आप वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करते हैं तो अगर वो टिकट अगर RSC में नहीं आता है या कंफर्म भी नहीं होता है, कंफर्म या RSC कोई भी नहीं होता है, तो आप नेट से अगर टिकट लिया है, मतलब मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ इस तरह से अगर टिकट बुक करते हैं तो उस टिकट पर आप जर्नी नहीं कर सकते, वो टिकट जो है कैंसिल हो जाता है और उसका जो रिफ़ंड अमाउंट होता है वो आपने जिस अकाउंट से कटवाया था बैलेंस उसी अकाउंट में वापस आ जाता है। उसका टाइम जो होता है वो 7 दिन के अंदर आ जाता है, 5 से 7 दिन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अगर आप जो है RSC टिकट अब है काउंटर से कटवाया है, मतलब प्लेटफॉर्म में जाके फॉर्म फिलअप करके वहाँ से कटवाया है वेटिंग लिस्ट टिकट, तो आप उस टिकट से आप जर्नी कर सकते हैं। तो काउंटर टिकट किस दिखता कैसा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही है काउंटर टिकट। अगर आप काउंटर से टिकट कटवाते हैं तो इस तरह का टिकट होता है। अगर इस तरह का टिकट आपके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है तो आप जो है ट्रेन में जर्नी कर सकते हैं। और एक टिकट होता है अगर आप नेट से कटवाया था है तो इस तरह का होता है, ये 2 पेज का होता है, ये फुल पेज का होता है। आप एक पेज ही प्रिंट करके लेके जाएंगे तो चलेगा। अगर इस तरह का टिकट है तो ये 100% कन्फर्म नहीं हुआ तो आपका जो है टिकट कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपका टिकट इस तरह का है तो आप जो है ट्रेन में वेटिंग लिस्ट टिकट लेके आप जर्नी कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट में है टिकट, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टिकट है एक साथ, मतलब 4 पैसेंजर का टिकट है ये जो, ये भी वेटिंग लिस्ट में है। तो इस टिकट को लेके आप ट्रेन में जर्नी कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका सीट नहीं मिलेगा, आप किसी के साथ बैठ के आप जा सकते हैं। अगर किसी के पास आपके फ्रेंड या फैमिली किसी के मेंबर के पास अगर कन्फर्म एक टिकट है तो आप उसके साथ बैठ के आप उसके सीट में जा सकते हैं। दोस्तों वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं ये आपको कब पता चलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर ट्रेन स्टार्ट होने से 4-5 घंटा पहले जो है एक चार्ट बनता है, जो लोग जर्नी करता है उस ट्रेन में उसका सारे चार्ट बनता है, उस चार्ट में ही आपको पता चलेगा आपका जो है सीट कंफर्म हुआ कि नहीं। आपको जो है PNR नंबर दे के आपको चेक कर लेना है आपका सीट कंफर्म हुआ कि नहीं। जब चार्ट बन जाता है तो आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आता है, तो उसमें ही लिखा हुआ रहता है आपका सीट कंफर्म हुआ कि नहीं। तो अगर मैसेज नहीं आता है तो आप जो है अपना PNR नंबर देखिए आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है किसी कई कई लोग ये मानना है, किसी लोगों का जो है अगर काउंटर से टिकट वेटिंग लिस्ट कटवाते हैं तो वो कंफर्म होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरह का कोई भी चांसेस नहीं है, आप कहीं से भी टिकट बुक कीजिए नेट से या काउंटर से। काउंटर से अगर टिकट बुक करते हैं तो उसमें से आप अगर जर्नी तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो पहले वो कंफर्म हो जाएगा इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी इस तरह का चांसेस नहीं है। अब कैसे भी आप अगर टिकट बुक करते हैं वो सेम ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो को पसंद आया है। अगर वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और कुछ भी मन में अगर डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।